गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज अपना टॉपिक है पार्श्व उपाधिक गमन या पैरापोडियल लोकोमोशन। देखिए, पैरापोडिया द्वारा लोकोमोशन होता है वो नेरिज में, अपन आज यहाँ पे नेरिज में पैरापोडियल लोकोमोशन को देखेंगे। एनिलिडा संघ के पॉलीकीटा वर्ग में पैरापोडिया द्वारा लोकोमोशन पाया जाता है और ये जो पैरापोडिया है वो नेरिज में, नेरिज के प्रत्येक देहखंड में एक जोड़ी पैरापोडिया पाए जाते हैं। नेरिज के प्रथम और लास्ट अंतिम पाइजिडियम सेगमेंट को छोड़कर नेरिज के प्रत्येक खंड में, प्रत्येक पार्श्व में एक जोड़ी पैरापोडिया पाए जाते हैं। तो प्रत्येक खंड में एक जोड़ी पैरापोडिया नेरिज में पाए जाते हैं और इन्हीं पैरापोडिया की सहायता से नेरिज में गमन होता है। तो नेरिज में ये जो पैरापोडिया है, प्रत्येक खंड में मासल और पत्तीनुमा होते हैं और ये पैरापोडिया इसकी पार्श्व अतिवर्ती के रूप में निकले रहते हैं। प्रत्येक पैरापोडिया जो होते हैं वो अंदर से खोखले होते हैं और देह गुहा का ही प्रसारित रूप होते हैं। प्रत्येक पैरापोडिया इसके पार्श्व से इसके नेरिज के आधारित सतह पर लगे रहते हैं। पैरापोडिया का जो आधार होता है इसकी देह भित्ति से लगा रहता है और इसका स्वतंत्र सिरा खुला रहता है, ठीक है। और पैरापोडिया का जो स्वतंत्र सिरा होता है, इसका आधार सिरा तो नेरिज की देह भित्ति से लगा रहता है और इसका स्वतंत्र सिरा बाइरेमेशिया द्विशाखित होता है, बाइरेमेशिया द्विशाखित होता है। तो पैरापोडिया का जो पृष्ठ सतह होती है, पैरापोडिया की जो पृष्ठ सतह होती है उसको बोला जाता है नोटोपोडियम। और जो अदर वेंट्रल पार्ट होता है उसको बोला जाता है न्यूरोपोडियम। पैरापोडिया द्विशाखित होता है और इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो वेंट्रल पार्ट और एक होता है डोर्सल पार्ट। डोर्सल पार्ट को नोटोपोडियम कहा जाता है और वेंट्रल पार्ट को बोला जाता है न्यूरोपोडियम बोला जाता है। इसके अतिरिक्त नोटोपोडियम और न्यूरोपोडियम में एक एक मासल अतिवर्तियां होती है। ये मासल अतिवर्तियां बहुत ही ज्यादा संवेदी होती है। वेंट्रल और डोर्सल साइड में एक एक अतिवर्तियां होती है। इन दोनों अतिवर्तियों को डोर्सल साइड वाली को डोर्सल साइरस और वेंट्रल वाली अतिवर्तियों को वेंट्रल साइरस बोला जाता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है, जो पैरापोडिया होता है उसके स्वतंत्र सिरे पे कुछ सीटा पाए जाते हैं। इसके स्वतंत्र सिरे पे सीटा पाए जाते हैं और ये सीटा बंडलों में उपस्थित होते हैं। इन सीटा की जो ग्रोथ होती है वो सीटल सैक में होती है। इन सीटा की ग्रोथ होती है वो एक सीटल सैक में होती है, सूत्र कोष में होती है। और इन सीटा का जो निर्माण होता है, वो सूत्र कोष में आदि चरण की अतिवर्ती के रूप में एक फॉर्मेटिव सेल द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फॉर्मेटिव सेल, निर्माणकारी कोशिका द्वारा सीटा का निर्माण होता है। सीटा की विशेषता यह है कि ये काइटिनस कंकाल के बने होते हैं। जैसे जैसे पुराने सीटा पुराने होते जाते हैं, इसकी जगह पे नए सीटा आते जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पैरापोडिया में नोटोपोडियम और न्यूरोपोडियम के मध्य में प्रत्येक में एक कंकालीय दंड भी उपस्थित होता है। ये कंकालीय दंड काइटिन का बना होता है, नोटोपोडियम और न्यूरोपोडियम में एक एक कंकालीय दंड पाया जाता है काइटिन का बना हुआ, जो कंकाल के रूप में पैरापोडिया को सपोर्ट प्रदान करता है। और इस कंकालीय दंड को बोला जाता है एसिकुलम। कंकालीय दंड को बोला जाता है एसिकुलम। एसिकुलम से आधार्य भाग में, पेशियां जुड़ी रहती है। दो प्रकार की पेशियां जुड़ी रहती है,
एक तो पैराकोडियल मसल्स, और दूसरी होती है सीटल मसल। पैराकोडियल मसल और सीटल मसल, ये एसी कुलम के आधारे भाग में ये दोनों प्रकार की मसल्स जुड़ी होती है, पैराकोडियल मसल्स और सीटल मसल्स। और एसी कुलम के स्वतंत्र सिरे पर सीटा जुड़े हुए होते हैं। ये सीटा जो होते हैं वो नेरिज में गमन में सहायता करते हैं। अब जो इसके जो सीटा होते हैं नेरिज में पैराकोडियल के जो सीटा होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं और प्रत्येक सीटा दो भागों से मिलकर बना होता है। एक तो इसका होता है साप, प्रत्येक सीटा दो प्रकार के भागों से बना होता है। एक तो होता है साप या कांड और दूसरा होता है इसकी ब्लेड। इन दोनों के आधार पर प्रत्येक सीटा दो प्रकार के होते हैं। इसमें दो प्रकार की सीटा पाए जाते हैं। पहली प्रकार की सीटा वो होते हैं जिसमें साप मतलब बेस तो बड़ा होता है और इसका जो कांड होता है वो फलक होता है वो छोटा होता है। ये होते हैं टिपिकल टाइप के सीटा कहते हैं वो। दूसरे प्रकार के जो सीटा होता है उनमें क्या होता है, इसका बेस जो होता है वो तो होता है छोटा और इसका जो ब्लेड होती है वो बड़ी होती है और इस ब्लेड के भीतरी किनारे में क्या है दांतेदार होती है और इसको बोलते हैं, ये जो सीटा होते हैं इसके भीतरी किनारे पर होते हैं दांत लगे रहते हैं। और तीसरे प्रकार के जो सीटा होते हैं वो विशेष परिस्थितियों में पाए जाते हैं जैसे हीचोनेरिज में, वो होते हैं ऑर शेप सीटा और ये दोनों तरफ से क्या होती है दांतेदार होती है। ये हीचोनेरिज में ये गमनांग का कार्य करते हैं। तो तीन प्रकार के सीटा हुए, पहला जिसका सांप बड़ा और ब्लेड छोटा होता है, दूसरा जिसका सांप छोटा और ब्लेड बड़ा होता है और ब्लेड क्या होता है दांतेदार होता है, और तीसरा ओर शेप सीटा जो विशेष परिस्थितियों में पाए जाते हैं। अब जो नेरिज के जो पैराकोडिया होते हैं, नेरिज के प्रत्येक खंड में एक जोड़ी पैराकोडिया पाए जाते हैं, लेकिन नेरिज के जो बीच वाले जो सेगमेंट होते हैं उनके जो पैराकोडिया होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं और अग्र और पश्च भाग के जो पैराकोडिया होते हैं वो उत्तरोत्तर क्रम में छोटे पैराकोडिया पाए जाते हैं। अब पैराकोडिया की सहायता से नेरिज में दो प्रकार से गमन पाया जाता है। पहला तो होता है क्रॉलिंग और दूसरे टाइप का गमन होता है वो होता है स्वीलिंग। तो नेरिज पैराकोडिया की सहायता से दो प्रकार से गमन करता है, पहला है क्रॉलिंग और दूसरा होता है स्वीलिंग। क्रॉलिंग जो गमन होता है वो ठोस धरातल पर होता है, समुद्री सतह पर होता है। ठोस धरातल या समुद्री सतह पर नेरिज जो होता है वो रेंग कर चलता है, नेरिज होता है वो रेंग कर चलता है। तो क्रॉलिंग में क्या होता है, क्रॉलिंग में ये जो पैराकोडिया होते हैं उसकी दो प्रकार से गति होती है। पहला होता है इसमें इफेक्टिव स्ट्रोक और दूसरा इसमें होता है रिकवरी स्ट्रोक। इफेक्टिव स्ट्रोक में क्या होता है, इसके जो पैराकोडिया होते हैं वो आगे से पीछे की ओर गति करते हैं। इफेक्टिव स्ट्रोक में पैराकोडिया जो होता है वो आगे से पीछे की तरफ गति करता है और रिकवरी स्ट्रोक में जो पैराकोडिया होता है वो पीछे से आगे की ओर गति करता है, जिससे एनिमल क्रॉलिंग मूवमेंट द्वारा आगे बढ़ता है लेकिन इसमें क्या होता है कि शरीर के एक तरफ के एक पार्श्व के जो पैराकोडिया होता है वो उनमें जो गति होती है वो
एकांतरित क्रम में होती है, मतलब दोनों पार्श्व के जो पैरापोडिया होते हैं वो एक साथ गति नहीं करते, जैसे कि दोनों पार्श्व के पैरापोडिया एक साथ आगे इफेक्टिव स्ट्रोक नहीं करते या एक साथ ही रिकवरी स्ट्रोक नहीं करते हैं, तो दोनों पार्श्व के जो पैरापोडिया होते हैं उनमें एकांतरित रूप से गति पाई जाती है, यानी कि एक तरफ इफेक्टिव स्ट्रोक हो रहा है तो दूसरी तरफ रिकवरी स्ट्रोक होगा उसी टाइम में, तो दोनों प्रकार के पैरापोडिया दोनों पार्श्व के पैरापोडिया में एकांतरित रूप से गति पाई जाती है। और जो ये एसी कूलम होता है रोलिंग मूवमेंट में एसी कूलम का भी इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे ही इसमें स्पेक्टिव इफेक्टिव स्ट्रोक होता है एसी कूलम में फैलता है, एसी कूलम फैलता है जिसकी वजह से जो सीटा होते हैं सीटा में पीछे की तरफ गति करते हैं, और जैसे ही रिकवरी स्ट्रोक होता है ये जो एसी कूलम होता है वो सिकुड़ जाता है जिससे सीटा आगे की तरफ होकर गति करते हैं जिससे रिकवरी स्ट्रोक होता है, इसी वजह से पैरापोडिया के इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक की वजह से इसमें क्रॉलिंग मूवमेंट होती है। दूसरी जो गति होती है इसमें होती है स्विमिंग मूवमेंट। स्विमिंग नेरिज में जो स्विमिंग होती है वो पानी में या समुद्री सतह पे होती है और इसके जरिए ये तैरता है पानी में, और स्विमिंग जो मूवमेंट होती है वो उसमें भी पैरापोडिया की तरह सहायता से ही स्विमिंग होती है, स्विमिंग में भी ये इफेक्टिव स्ट्रोक या रिकवरी स्ट्रोक दोनों द्वारा ही गति होती है, लेकिन इसके साथ ही जो नेरिज में जो मसल्स होती है वो भी स्विमिंग मूवमेंट में सहायक होती है, इसके लिए जो लॉन्गिट्यूडनल जो मसल्स होती है उसमें संकुचन एवं पसार की सहायता से ये स्विमिंग में लॉन्गिट्यूडनल मसल्स नेरिज में स्विमिंग में सहायता करते हैं। तो ये पैरापोडिया द्वारा